पहले इस टेम्पो वाले को जाने देते हैं। चला गया। Hey, what's up guys? I'm back with another interesting video. और basically guys, मेरे घर का बेडरूम का सीसीटीवी कैमरा हैक हो गया। कैसा लगा था गाइस थंबनेल? थंबनेल देख के तुम वीडियो पे जरूर आया हो। तो आज की इस वीडियो के मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि हमारे घर में जो सीसीटीवी कैमरास होते हैं किस तरीके से हैक हो सकते हैं और किस तरीके से हमें जिन कैमरों के ऊपर नजर रखनी चाहिए, किस तरीके से हम हमारे घर को, हमारे फैमिली को सिक्योर रख सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अपने घर में हर जगह पे सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं, लेकिन कई बार होता क्या है कि भैया उनका ही वीडियो हो जाता है वायरल, क्योंकि ऐसा कहीं जान सारे सिनेरियो में बनता है और यही सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा लोग हैक कर लेते हैं, कहीं के घर में चोरी हो जाती है, मतलब ऐसी चीज़ पॉसिबल होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपने घर के कोई भी हैकर जो किस तरीके से कैमरा सीसीटीवी कैमरा को हैक करता है और किस तरीके से अगर आपके घर में अगर सीसीटीवी कैमरा है तो आप उसको हैकर से किस तरीके से बचा सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईश्वर कापड़े, आप सभी देख रहे हो मिस्टर आई के यूट्यूब चैनल। और ऐसी हैकिंग से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो आगे भी चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली गैस जब भी गैस जब कैमरा की बात होती है तो यहाँ पे हमारे गुरुड़ भैया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इनकी लिंक दे देंगे हम डिस्क्रिप्शन में, काफी अट्रैक्टिव है गैस, आप मंगाना चाहे तो मंगा सकते हो, जो कि हर वीडियो के अंदर मैं बोलता हूँ लेकिन सारा तुम लोग मंगाते कोई नहीं हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये है हमारा सीसीटीवी कैमरा जो कि लगा है अपने घर पे, दीवार पे, किधर भी, और ये है उसका सर्वर। अब होता क्या है सिनेरियो कि सीसीटीवी कैमरा जो है डीवीआर से कनेक्टेड है, यानी घर में आपने इंटरनेट से कनेक्ट नहीं किया है, तो ये इन सिनेरियो के अंदर कैमरा जो कभी हैक नहीं होगा, मतलब कभी भी इम्पॉसिबल इस चीज़ को हैक करना। जब तक हैकर आपके घर में घुस के कुछ मालवेयर ब्यूरो फंक्शन इंसर्ट नहीं करता डीवीआर के अंदर, तब तक ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती। अब आता है दूसरा सिनेरियो, आप जाते हो ऑफिस में, घर पर आपकी वाइफ अकेली है, बीवी बच्चे अकेले, अब आप उस सिनेरियो के अंदर में करते हो इसको DVR को इंटरनेट से कनेक्ट, या फिर आता है IP कैम जो कि इंटरनेट के बेस पे चलता है, आपके घर के वाईफाई पे से कनेक्ट रहता है और आपको टाइम टू टाइम सारे फुटेज जो भेजता रहता है। तो बिजनेस है तो आप दुनिया के किसी भी कोने से आपके घर के ऊपर नजर रखना चाहते हो तो अब आपको इस सर्वर को, DVR को आपके इंटरनेट से कनेक्ट करना करते हैं, IP कैम उसको इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो आप जब उस चीज़ को जो इंटरनेट से कनेक्ट करते हो तब आता है यहाँ पर एक हैकर निकल के कि जो भैया आपके घर का जो वीडियोज है फुटेज वो सारा हैक कर लेता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं हैकर किस तरीके से हैक करता है। तो बेसिकली आपके जो भी अत्यारे जैसा कि आप देख सकते हो जो DVR आपने जिससे भी लगवाया है, आपके ब्रॉडबैंड वाला जिससे भी आपने कनेक्शन करवाया है, वो सारे लोग करते क्या है कि आपको सारे लोगों को है ना एक सिंपल सा पासवर्ड चेप देते हैं जिसके अंदर यूजर नेम भी एडमिन होता है और पासवर्ड भी एडमिन होता है, और ये जो कॉमन सा यूजर नेम है, जैसे आप IP स्कैन करोगे तो आपके IP स्कैनर से आपका जो भी घर में DVR चला है उसका वाला स्कैन IP एड्रेस दिखा देता है। उस IP एड्रेस को जैसे आप ईमेल के थ्रू एंटर करते हो तो उसके सामने खुल के आता है कौन सा कैमरा आप यूज़ कर रहे हो, किस कंपनी का DVR आप यूज़ कर रहे हो, ये सारी चीज़ें ओपनली पब्लिकली मिल जाती है। अब यहाँ पे सिक्योर रखने की बात आती है तो आपको डालना पड़ेगा वहाँ पे पासवर्ड, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को जो कि आपने आपको बोलते हैं सो कॉल्ड हैकर, वो यहाँ पे यूज़ करते हैं सिंपल सा पासवर्ड जो कि कंपनी सबको चेप रही है, हाई विजन वाले चेप रहे, बाद में HP+ वाले, CP+ वाले, वो सब एक ही पासवर्ड चेपते सबको। पासवर्ड होगा 1 2 3 4 5 6 और एडमिन होगा नाम। तो इस तरीके से एडमिन जो यूजर नेम और एडमिन पासवर्ड, यहाँ पे एडमिन यूजर नेम 1 2 3 4 5 पासवर्ड, तो इस तरीके से जो हम सब लोगों के ऊपर एक ही पासवर्ड चेप रहे कंपनी वाले, जिसकी वजह से जो आपका घर का डेटा हो या फिर कोई भी सिक्योरिटी के पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर रहे हो आपके ऑफिस के अंदर सारी चीज़ें जो हैक हो जाती है ईजिली, जिसकी वजह से आपके जो बहुत सारे पर्सनल वीडियोज़ होंगे वो सारी चीज़ें जो लीक हो जाती है पब्लिकली, और फिर बोलते हो कि भाई हैक हो गया। ये कोई हैक वैक नहीं हुआ, जो अपने आपको सो कॉल्ड हैकर बोलते हो लोग एडमिन डाल के लेके जाते डेटा। अब आपको दिखा दो एग्जांपल की सारी चीजें किस तरीके से चलती, तो चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, आपको दिखा दो सारी चीजें कैसे काम करती है। तो गाइस आप यहां पे देख सकते हो मैं आ चुका हूं मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहां पर हमें ओपन कर लेना है कोई भी ब्राउजर बेसिकली, और यहां पर हमें सर्च करना है गूगल हैकिंग डेटाबेस यानी कि GHDB, और इसको कर देंगे अपन ओपन। यहीं भी अब जो पहले जो खुल के आता है हम इसी को खोल लेना, गूगल हैकिंग डेटाबेस को यानी कि GHDB लिखो के फिर भी ओपन हो जाता है। अब बेसिकली यहाँ पे क्विक सर्च के अंदर जाना है और हमें लिखना है कैमरा। ये जो है गाइस यहाँ पे ना सारा डेटा हमें मिल जाता है कि कौन कौन से कैमरा वल्नरेबल है जिसको हैक किया जा सकता है इजीली, वो सारे कैमरास के डेटा जो हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। अब बेसिकली हम यहाँ से उठाते हैं कोई भी एक कैमरा, आते हैं यहाँ पर और इसे करते हैं अपन ओपन। अब यहाँ पे इसे चेक करते हैं एक बार। तो
तो जैसे देख सकते हो गाइस, ये जो है नेटवर्क कैमरा है और ये जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हम ऑलरेडी कोई कैमरा है कहीं का जिसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो गैस इसी में आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे ढूंढ ढूंढ के दिखा रहा हूँ कि कौन सा कैमरा यहाँ पे वल्नरेबल है और कौन सा कैमरा वल्नरेबल नहीं है। तो जैसे कि देख सकते हो आप यहाँ पर, तो अभी यहाँ पे खुल गया है वल्नरेबल कैमराज, यानी कि वो कैमरा होते हैं जो इजीली हैक हो सकते हैं, फिर ओपन सोर्स पे उसके लिंक है, तो लोग यहाँ पे आकर कंप्लेंट कर लेते हैं। तो यहाँ का भी फिक्स कर दिया है। चलो इतनी बात अच्छी कि जहाँ जहाँ के ऊपर कंप्लेंट की जाती है वो लोग सब कोई ना कोई चीज़ों को फिक्स कर देता है दूसरों के लिए, और ये काफ़ी अच्छा काम है अपने आप में। तो ये भी एक फिक्स हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मोस्टली सारे कैमरा फिक्स हो चुके हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको दिखाया है कि कुछ कुछ वीडियोस में जो है कैमरा फिक्स नहीं किए गए। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक ओपन हो चुका है यहाँ पर, और आप यहाँ पे देख सकते हो बाकी के 3 कैमरा जो है यहाँ पर डिसेबल किए गए, लेकिन एक कैमरा जो है अभी भी ऑनलाइन और चल रहा है, और एक किसी गेट के साइड का कैमरा दिख रहा है। यहाँ पे शायद नाइट होगा इसलिए बाकी के कैमरे बंद कर दिए, लेकिन ये जो डे वाला कैमरा है जैसे यहाँ पे चल रहा है अभी, मतलब आउटसाइड वाला जो कि गेट पर नज़र रखता है, कौन आया कौन गया इसे सारी चीज़ों पर नज़र रखता है। तो अभी किसके घर का है कुछ हमें आइडिया है नहीं, लेकिन आईपी एड्रेस ऊपर शो कर रहा है, और सारी चीज़ों की वजह से हमें जो इसी ईजिली हमें पता चल रहा है। देख सकते हो यहाँ पर जो मैं माउस का कर्सर यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आपको पता चलेगा कि कैमरा जो लाइव चल रहा है, यहाँ पर आप लाइट ब्लिंक होते हुए देख सकते हो। लेटेंसी थोड़ी सी कम है वीडियो के अंदर, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि दुनिया के किसी और कोने में किसी और देश का कैमरा हम यहाँ पर लाइव सी कर रहे हैं, तो इस तरीके से सारी चीज़ें काम करती हैं। तो बस गैस आपने देखा कि हैकिंग किस तरीके से करते हैं, मतलब कि कैसे सारी चीजें काम करती है। तो आपने जो यूजर आईडी और पासवर्ड है उसको बदलते रहिए और सारी चीजें ठीक से करते रहिए। तो बस गैस यही थी छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। आई तो बस लाइक कर देना, शेयर कर देना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मुझसे रिलेटेड किसी तरह का प्रश्न, सवाल या फिर सुझाव तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। हाँ अभी के लिए इतना ही, तब तक प्लीज टेक केयर और गुड बाय।